अस्सलामुअलैकुम माय डियर साहब, डेट ऑफ ठीक होंगे माय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करेंस। हम देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। माय डियर्स देखें, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये डू नॉट अकर इन पी स्टेट, यानी आपको ये पी स्टेट के फॉर्म में ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये आपको मतलब जैसे ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, ये आपको कंबाइंड स्टेट में हमेशा मिलेगा। ये किसी आपको अलग कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दे डू नॉट अकर इन पी स्टेट। देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं एज अ केटायन, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये रॉक्स के अंदर एज अ केटायन पाए जाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब जब एलोजन ग्रुप अटैच होगा, जैसे फ्लोरीन, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड यानी आयोडीन वगैरह, एस्टाडीन, और ये तमाम, इस तरह ये तमाम को हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रेट्स। यानी एलोजन ग्रुप जब मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा तो दैट इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रेट्स, और ये सी वाटर के अंदर आपको मिलेंगे। इसी तरह मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल्स की सेंटर्स में आपको मैग्नीशियम आपको मिलेगा। आयरन आपको ब्लड्स के हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। इसी तरह कैल्शियम आपको टीथ में, बोन्स में, सी शेल्स में, ईक शेल्स वगैरह में आपको नजर आएगा। तो आज हमने ये डिस्कस किया माइडियर्स के अक्रेंस क्या है। हमने ये देखा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉनिशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, किधर होते हैं, कैसे होते हैं। माइडियर्स, मैंने आपको ये बताया कि ये अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब ये आपको अकेला नजर नहीं आएंगे कि कहीं से आपने मैग्नीशियम उठाया, कैल्शियम उठाया, स्ट्रॉनिशियम उठाया, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं एज अ केटायन। इसके बाद हमने देखा कि मैग्नीशियम हाइड्राइड्स, यानी मैग्नीशियम का एलोजन ग्रुप के साथ अटैच होना, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्राइड्स, ये आपको सी वाटर्स के अंदर नजर आएंगे। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया कि क्लोरीन, ये आपको मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल के अंदर उसके स्ट्रक्चर्स में नजर आएगा। आयरन आपको हीमोग्लोबिन्स और जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पे आयरन एज अ मैग्नीशियम की जगह पे होता है, एक बात आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कैल्शियम आपको टीथ में, बोन्स में, सी शेल्स में, ईक शेल्स वगैरह में आपको नजर आएगा। माइडियर्स,